हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की बेस्ट लुकिंग बाइक्स के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी बाइक्स है जो कि आपको काफी अच्छी लग सकती है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। तो इस वीडियो में जितनी भी बाइक्स है उनको मैंने अपने पसंद के अकॉर्डिंग तो रखा नहीं है, क्योंकि जैसा आप लोग भी जानते हैं कि लुक सब्जेक्टिव होता है। मेरे को जो पसंद है कहीं वो आपको ना पसंद हो, आपको जो पसंद है वो किसी और को ना पसंद हो। इसलिए मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि कौन कौन सी बाइक्स आपको बहुत अच्छी लगती है इन टर्म्स ऑफ लुक्स। तो उसी में से सबसे ज्यादा जो मेरे को रिप्लाई और कमेंट्स मिली है जो बाइक्स के बारे में, वही बाइक्स को मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो इस लिस्ट पर टोटल हम लोग 7 बाइक्स पे बात करेंगे। तो अगर आपको ये बाइक्स पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कोई और बाइक से रिलेटेड, स्पेशली BS6 बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 7 नंबर बाइक है रॉयल एनफील्ड की फ्लैगशिप बाइक। इस बाइक का नाम है रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT650। अब GT650 का भी डिजाइन यहाँ पे बहुत ही लोगों को पसंद आता है, क्योंकि इसमें आपको कैफे सर वाली भी डिजाइन मिल जाती है, साथ ही में इसमें आपको रेट्रो लुक्स भी मिल जाते हैं, और वहीं इसका पावर भी कोई कम नहीं है। और वहीं GT650 का लुक अगर आप स्पेशली रियर से देखते हैं तो ये बाइक काफी ज्यादा बड़ी लगती है आपको, क्योंकि इसका एग्जॉस्ट इसके बॉडी से काफी दूर प्लेस किया गया है। तो रियर से भी ये बाइक काफी अच्छी लगती है, और ओवरऑल ये बाइक में आपको काफी अच्छा पैकेज भी मिल जाता है। पैकेज से मेरा मतलब ये है कि इसका इंजन में आपको पावर और टॉर्क काफी अच्छा मिल जाता है। 47 BHP का आपको पावर मिल जाता है और 52 Nm का टॉर्क मिल जाता है इसके 648 cc ट्विन सिलेंडर इंजन से। और वहीं रॉयल एनफील्ड की फ्लीट में से आने वाली कुछ चुनिंदा बाइक्स में से ये भी एक बाइक है जिसमें कि आपको वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है, क्योंकि इसका जो ट्विन सिलेंडर इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और रिफाइन भी है। इसमें आपको ऑयल गोल्ड सिस्टम मिल जाता है इंजन कूलिंग के लिए। 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आती है। इसकी अगर माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 20 से 24 KMPL का माइलेज देखने को मिलता है। GT650 की अगर करवेट की बात करें तो इसकी करवेट है 202 kg। इसकी फ्यूल टैंक आपको मिल जाती है 13.7 liters की, और इसकी जो सीट हाइट है वो आपको 804 mm की देखने को मिलती है। और वहीं दोस्तों, अगर आपका GT650 इतना बजट नहीं, हल्की अगर आपकी बजट कम है, तो आप इसी की जो सिबलिंग है इंटरसेप्टर 650 को ले सकते हैं। उसमें भी आपको यही सेम इंजन देखने को मिलता है। तो GT650 में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलते हैं, और वहीं इंटरसेप्टर 650 में कन्वेंशनल हैंडल बार देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर आप इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ओर देखते हैं तो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी काफ़ी ज़्यादा रेट्रो डिज़ाइन वाला है, यानी इसमें आपको एनालॉग डायल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू डिजिटल डायल्स। इसमें आपको एनालॉग टैकोमीटर मिल जाता है, एनालॉग स्पीडोमीटर मिल जाता है, और एक डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। तो दोस्तों, 7 नंबर पे थी रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल GT650। अब बात करते हैं इस लिस्ट में जो 6 नंबर पे स्कूटर है उसके बारे में। तो दोस्तों, मैं 6 नंबर पे स्कूटर है, ये एप्रिलिया के स्कूटर है। स्कूटर का नाम है एप्रिलिया SR150। एप्रिलिया SR150 में काफ़ी सारे मॉडल्स आते हैं, और इसके टॉप मॉडल के लिए आपको ऑटो न्यू दिल्ली में प्राइस पे करना होता है 1,34,000 rupees। और वहीं दोस्तों, स्कूटर की डिज़ाइन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे फंकी एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसका ग्राफिक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और वहीं इसके जो व्हील्स है वो भी 14 inch के हैं, जिसकी वजह से इस स्कूटर की लुक और ज़्यादा एनहांस हो जाती है। जितने भी मार्केट में स्कूटर्स आते हैं उनमें या तो आपको 10 inch के व्हील मिलते हैं या तो 12 inch के व्हील मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको 14 इंच के व्हील मिलते हैं, जिसकी वजह से फ्रंट और रियर प्रोफाइल है वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो दोस्तों, 6 नंबर पे है एप्रिलिया SR150। और अगर इसके कुछ अच्छी चीजों की बात करें तो इसका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा है, इसका हैंडलिंग भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है, और इसमें और क्या बेटर हो सकता था इसी पर बात करें तो इसका राइड क्वालिटी को कंपनी और ज्यादा अच्छी कर सकती थी। इसमें आपको स्टिफ राइड मिलता है, और इसकी जो फ्लोर बोर्ड की एरिया है कंपनी उसको और ज़्यादा बढ़ा सकती थी, क्योंकि इसमें आपको उतना ज़्यादा फ्लोर बोर्ड का एरिया नहीं देखने को मिलता है। इसमें आपको 154 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है, जो कि 10.25 BHP का पावर जनरेट करता है और 11.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें आपको 3 valve per cylinder मिल जाता है, जिसकी वजह से इस स्कूटर की पिकअप काफ़ी अच्छी हो जाती है। और वहीं इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस स्कूटर में आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, 220 mm की फ्रंट में डिस्क मिलती है, और रियर में 140 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है। इसमें आपको 120x70 सेक्शन के 14 inch के टायर मिल जाते हैं फ्रंट में, और रियर में भी वही सेम टायर देखने को मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ओर देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल का डिज़ाइन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, वैसे पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको जो स्पीडोमीटर है वो एनालॉग शो होता है और रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन डिजिटली शो होता है। तो कंपनी यहाँ पे जो इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की डिज़ाइन है उसको और ज़्यादा अच्छी कर सकती थी। तो यहाँ पे जो इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की डिज़ाइन है कंपनी उसको और ज़्यादा अच्छी कर सकती थी, TVS एंड टॉक जैसे इसमें इंस्ट्रूमेंट कंसोल दे सकती थी, या फिर और ज़्यादा फीचर्स इसी के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में ऐड करके इसका डिज़ाइन को चेंज कर सकती थी। तो 6 नंबर पे थी एप्रिलिया SR150। अब बात करते हैं 5th नंबर पे जो बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों, मेरे 5th नंबर पे बाइक है, ये KTM की बाइक है, और ये बाइक आती है 200 cc सेगमेंट में। इस बाइक का नाम है KTM Duke 200। KTM Duke 200 को रिसेंटली एक बहुत बड़ा अपडेट मिला है इसके BS6 इंजन में। इसका डिज़ाइन लैंग्वेज को कंपनी ने पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, और चेंज करना भी था, क्योंकि ये बाइक जब से लॉन्च हुई थी तब से एक ही डिज़ाइन के साथ आ रही थी। इसलिए अब आपको इसमें Duke 250 वाली डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी। तो 200 cc बाइक्स में मेरे को सबसे ज़्यादा Duke 200 की रिस्पॉन्स है ये कि इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, इसलिए मैंने इस वीडियो में इस बाइक को इंक्लूड किया है। तो Duke 200 BS6 इंजन के लिए आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में अभी प्राइस पे करना होता है 1,98,000 rupees।
और वहीं पे अगर हम लोग इसके एग्जॉस्ट की पहली बात करें तो इसमें अभी भी आपको साइड स्लंग एग्जॉस्ट नहीं देखने को मिलता, अभी भी इसमें आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट देखने को मिल रहा है। और वहीं इस बाइक की कुछ अच्छी चीज़ों की बात करें तो इसका इंजन में आपको इनिशियल पिकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है और इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें क्या बेटर हो सकता था इस चीज़ पर बात करें तो इसका जो इंजन है वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हल्का हीट होने लगता है और इसकी राइड क्वालिटी भी कंपनी और ज़्यादा बेटर कर सकती है। इनफैक्ट इसके सीट की जो कुशनिंग लेवल है वो भी उतनी ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है, तो सीट की कुशनिंग लेवल को भी कंपनी यहाँ पर और अच्छी कर सकती थी। इसमें आपको इंजन अभी भी सेम मिलता है जिसमें पावर टॉर्क भी आपको पहले ही जैसे मिलती है इसके BS6 इंजन में। 199cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड ये इंजन है जिसमें कि आपको 6 BHP का पावर और 19.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। 6-speed गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आती है। इसके अगर माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 30 से 33 की MPL का माइलेज देखने को मिलता है। और वही दोस्तों इस बाइक की कर्वेट है 148 kg, इसकी सीट हाइट है 810 mm और इसमें आपको ट्रेलिस फ्रेम देखने को मिलता है। तो दोस्तों ड्यूक 200 की यहाँ पे हम लोग और डिटेल में नहीं बात करेंगे क्योंकि इस पे मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर डिटेल में वीडियो बना रखा हुआ है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके मदद से वो वीडियो आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको इस बाइक की टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो 5th नंबर पे थी KTM ड्यूक 200 जिसमें कि अब आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग बात करते हैं इस लिस्ट में जो 4th नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों जो 4th नंबर बाइक है यामाहा की बाइक है और ये बाइक के लिए रिस्पांस में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। इस बाइक का नाम है यामाहा R15 V3। R15 V3 का जो डिज़ाइन है मेरे को भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इनफैक्ट जितने भी प्रीमियम 150cc कम्यूटर बाइक्स आती है उनमें इस बाइक का जो डिज़ाइन है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। चाहे आप रियर से देख लीजिए, फ्रंट प्रोफाइल देख लीजिए या साइड प्रोफाइल देख लीजिए, इस बाइक का जो वर्जन 3 का लुक है उसके वर्जन 2 का लुक से काफ़ी ज़्यादा बेटर कर दिया कंपनी ने। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने बात की इस बाइक के डिज़ाइन के बारे में और वहीं इसका BS6 इंजन भी अब आ चुका है, तो 5500 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा पे करके इसके BS6 इंजन को ले सकते हैं। इसके BS6 इंजन में आपको हल्के फुल्के चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसा इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन किल देखने को मिलेगा। यानी इसका मतलब ये होगा कि अगर आपकी साइड स्टैंड लगी है तो आपकी बाइक की जो सेल्फ है वो काम नहीं करेगी, आपकी बाइक की इंजन स्टार्ट नहीं होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर, इसमें आपको डुअल हॉर्न अप देखने को मिलता है। इसके जो टायर्स है वो भी कंपनी ने अब चेंज कर दिए हैं, टायर के कॉन्फिग्रेशन नहीं चेंज किए हैं लेकिन टायर की कंपनी अब आपको अलग देखने को मिलती है। और इंजन की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको इंजन अभी भी सेम मिलता है, वही 155cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड ये इंजन है जो कि 19.3 bhp का पावर जनरेट करता है और 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक में आपको 6-speed गियरबॉक्स मिल जाता है और इसमें आपको 37 से 42 KMPL की माइलेज देखने को मिल जाती है। इसकी कर्वेट है 142 kg, इसकी सीट हाइट आपको मिलती है 815 mm की और इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 170 mm की देखने को मिल जाती है। और वही दोस्तों ब्रेकिंग के लिए इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS में मिल जाता है और फ्रंट में 282 mm की डिस्क मिलती है और रियर में 220 mm की डिस्क मिलती है। और वहीं अगर इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के डिज़ाइन की ओर देखेंगे तो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फुल डिजिटल ये डिस्प्ले है जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस किया गया है। इसमें आपको वाइट बैकलाइट मिलती है जिसकी वजह से इसमें जो नंबर्स निकल के आते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लियरली विजिबल है। तो दोस्तों इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल का भी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बेटर है जैसा मैंने आपको बताया। और ओवरऑल भी अगर आप इसके डिज़ाइन की ओर देखते हैं तो इसका डिज़ाइन पे कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इसके जो पहले मॉडल्स आते थे उनसे। तो 4th नंबर पे थी यामा R15 V3, अब बात करते हैं इसमें जो 3rd नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 3rd नंबर बाइक है TVS की फ्लैगशिप बाइक, इस बाइक का नाम है TVS अपाची RR310। RR310 का भी डिज़ाइन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है 300cc सेगमेंट में, क्योंकि अगर आप ये बाइक को लेते भी हैं तो इसमें जो आपको डायमेंशन है वो लगभग एक मिडिल वेट स्पोर्ट्स बाइक इतनी मिलती है, यानी एक 600cc बाइक की तरह इसमें आपको डायमेंशन मिलती है, जिसकी वजह से इस बाइक की जो रोड प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। फ्रंट और रियर से दोनों ही तरफ से ये बाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। रियर में जो आपको टेल लाइट है वो डुकाटी पानी गाले जैसे आपको हल्की लगेगी और फ्रंट की जो हेडलैम्प है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से प्लेस करके दी गई है। तो दोस्तों RR310 का भी BS6 इंजन आ चुका है और इसके BS6 इंजन के लिए आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में प्राइस पे करना होता है 2,74,000 rupees। तो दोस्तों यहाँ पे ये भी बाइक पे हम लोग पूरी बात नहीं करेंगे क्योंकि इस पे ऑलरेडी मैंने एक से ज़्यादा वीडियो बना चुके हुए हैं इसके BS6 इंजन के बारे में। तो सिर्फ हम लोग इंजन के बारे में बात करते हैं कि इसमें आपको BS6 इंजन में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों BS6 इंजन में उतना बड़ा आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है सिर्फ उसी को कंपनी ने यहाँ पे चेंज किया है और इसके जो अर्गोनॉमिक्स है और इसका जो आपको हैंडल बार है वो अब आपको चेंज देखने को मिलेगा। यानी इसका जो इंजन किल स्विच है वो अब हटा के इसके सेल्फ के बटन के ही साथ अटैच कर दिया गया है और इंजन आपको वैसे ही सेम देखने को मिलता है। 35 BHP का पावर और 27.3 Nm का टॉर्क मिल जाता है और इसमें अब आपको राइडिंग बोर्ड्स भी मिल जाते हैं इसके BS6 इंजन के साथ। तो जैसे जैसे आप इसमें राइडिंग मोड्स चेंज करते वैसे वैसे इस बाइक की पावर भी ऑल्टर्ड हो जाती है। 6-speed गियरबॉक्स इसमें मिलता है, इसकी कर्वेट 169 kg, इसकी सीट हाइट आपको मिल जाती है 810 mm की और वहीं इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 180 mm।
और वहीं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ओर देखेंगे तो इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में बहुत सारी कंपनी ने फीचर्स ऐड कर दिए हैं। उसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल का जो लेआउट है उसको कंपनी ने बिल्कुल चेंज कर दिया है। 5 इंच का वर्टिकल TFT डिस्प्ले आपको मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, और फीचर्स के भी अकॉर्डिंग और इसमें जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों थर्ड नंबर पर थी अपाची RR 310। अब बात करते हैं इसमें जो सेकंड नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों मेरे सेकंड नंबर बाइक ही एक स्पोर्ट्स बाइक है और ये बाइक है MV Agusta की तरफ से। इस बाइक का नाम है MV Agusta F4। ये एक लीटर क्लास की बाइक है और MV की जितनी भी बाइक्स आती है इनका जो डिज़ाइन होता है वो बाकी की जो मार्केट में बाइक्स आती है उनकी से आपको हल्का हलग देखने को मिलता है, और ये बाइक्स जो है वो डिज़ाइन के लिए ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों MV Agusta F4 इंडियन मार्केट में आपको मिल जाती है एक शोरूम प्राइस में 27 लाख रुपीज़ में। ये बाइक 0 से 100 चल जाती है 2.9 सेकेंड में, और ये बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 297 km/h है। तो अगर आप MV Agusta की अगर लुक की ओर देखते हैं तो फ्रंट से भी इसका लुक आपको काफ़ी ज़्यादा अलग लगेगा बाकी जितने भी लीटर क्लास की बाइक्स आती है उनसे, और रियर का भी जो लुक है वो काफ़ी अच्छा है। रियर में जो इसका एग्जॉस्ट लगा वो इसके जो टेल लाइट है जस्ट उसके नीचे प्लेस किया गया है, तो पीछे से और आगे से ये बाइक काफी अलग लगती है और काफी यूनिक भी लगती है। इस बाइक में आपको 192 bhp का पावर मिल जाता है और 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 998 cc इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन से, जो कि एक लिक्विड कूल्ड इंजन है। इसमें आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स मिल जाता है, इसकी कर्वेट 191 kg, और वहीं इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 115 mm, और इसमें जो आपको सीट हाइट है वो 830 mm की देखने को मिलती है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि MV Agusta की जो बाइक्स है इनकी लुक काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी मिलती है, जैसा आप F4 को देख लीजिए, F3 को देख लीजिए, लेकिन वहीं MV Agusta की अगर सर्विस की बात की जाए तो सर्विस इन बाइक्स की इंडिया में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो सर्विस पे MV को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जिसके बाद से हो सकता है कि इन बाइक्स की डिमांड और ज़्यादा इंडियन मार्केट में बढ़ जाए। तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो फर्स्ट नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर बाइक है ये बाइक ब्रांड भी न्यू है, और यहाँ पे ये जो बाइक है ये भी बिल्कुल न्यू है। इस बाइक ब्रांड का नाम है Husqvarna, और यहाँ पे जो बाइक है इसका नाम है Whitpillin। तो यहाँ पे हम लोग बात करें Husqvarna Whitpillin के बारे में, तो Whitpillin और इस Whitpillin दोनों ही में आपको जो लुक्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलता है। इन Whitpillin के लिए मेरे को ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी इसलिए यहाँ पे मैंने Whitpillin को इंक्लूड किया है। तो Husqvarna Whitpillin की जो ऑनरोड डेली प्राइस है वो 2,06,000 रुपीज़ है। तो Husqvarna Whitpillin आती है 250 cc इंजन के साथ, और इसमें आपको वही सेम इंजन मिल रहा है जो KTM Duke 250 में मिलता है। तो Husqvarna Whitpillin जो है ये 250 cc सेगमेंट में आने वाली वो बाइक है जिसका जो लुक है वो एकदम फ्रेश है मार्केट में, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी आपको देखने को मिल रहा है। रियर में भी आपको इसमें LED टेल लैम्प मिल जाता है, फ्रंट में LED हेडलाइट मिल जाता है, और कैफे रेसर डिज़ाइन के साथ इसमें आपको हल्की रेट्रो लुक्स भी मिल जाती है, जिसके बाद इस बाइक की जो डिज़ाइन वो और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो Husqvarna Whitpillin को इसलिए मैंने वीडियो में फर्स्ट नंबर पर रखा है क्योंकि इस बाइक की डिमांड काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है। तो जैसा मैंने आपको इंजन के बारे में भी बताया कि इसमें आपको ड्यूक 250 वाला इंजन मिल रहा है, तो पावर ट्रेन भी आपको वही मिलता है। और वहीं दोस्तों अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल की ओर देखेंगे तो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल का भी डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है। इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल राउंड फुल डिजिटल है, जिसमें कि आपको डिस्टेंस टू MPT मिल जाता है, ईयर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाता है, इंजन टेम्परेचर गेज मिल जाता है, ट्रिप टाइमर के साथ सभी वो बेसिक फीचर्स भी मिल जाते हैं। हाँ, यहाँ पे जो इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के नंबर है वो हल्के स्मॉल डिस्प्ले होते हैं, तो कंपनी यहाँ पे इसको और ज़्यादा बेटर कर सकती थी। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पे थी Husqvarna Whitpillin, जिसका जो डिज़ाइन है वो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है यहाँ पे। तो यही टोटल 7 बाइक्स थे इस लिस्ट में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।